तो हमने कहा डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी का टॉपिक खत्म हो चुका है, अब डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू एक फंक्शन में डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबल का मतलब होता है फंक्शन में जो चेंज आ रहा है उस चेंज को हम डिफरेंशिएबल बोलते हैं। जैसे कुछ समय पहले मेरे पास फंक्शन की वैल्यू x थी, कुछ समय के बाद ये वैल्यू कुछ चेंज हो गई, फंक्शन ऑफ x प्लस h आ गया। तो फंक्शन ऑफ x शुरू में वैल्यू थी, अब मेरे पास x प्लस h आ गया। अब इसके अंदर मैं चेंज अगर कहूं तो चेंज कितना हुआ, तो आप कहोगे फंक्शन ऑफ x प्लस h माइनस का फंक्शन ऑफ x, ये इसके अंदर चेंज हुआ, ये इसके अंदर चेंज हुआ। और चेंज किसकी वजह से हुआ, h की वजह से हुआ, h की वजह से हुआ। और ये जो h होता है ये बहुत ही छोटी वैल्यू होती है, कि h टेंडिंग टू 0, इसे ही हम बोलते हैं फंक्शन का डेरिवेटिव, fx का डेरिवेटिव, या आप ऐसा कहते हैं dy/dx एट द पॉइंट एट सम x इक्वल टू रियल वैल्यू, ठीक है, एट सम रियल वैल्यू ऑफ x, या जैसे आप f डैश a भी कह देते हो कि x की वैल्यू a पर ये फंक्शन आपका डेरिवेटिव हो जाएगा। तो चलिए देखेंगे वो, तो हम ये कहते हैं, हम ये कहते हैं डिफरेंशिएबिलिटी, फंक्शन इज डेरिवेटिवल, आ फंक्शन fx इज डेरिवेटिवल, यानी एक फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा डेरिवेटिवल ओनली इफ, ओनली कब डेरिवेटिवल होगा, जब लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव और राइट हैंडेड डेरिवेटिव मस्ट बी इक्वल। ये होता है लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंडेड अगर मेरे पास एक फंक्शन में लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव और राइट हैंडेड डेरिवेटिव इक्वल हो जाए तो हम ये कहते हैं वो फंक्शन हमेशा कैसा होता है, डेरिवेटिवल। और अगर उस फंक्शन में ये लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव राइट हैंडेड डेरिवेटिव इक्वल ना हो तो फंक्शन डेरिवेटिवल नहीं होता। डेरिवेटिवल का मतलब उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। तो चलिए हम बताते हैं कि आगे आपका f(x) क्या था। अभी अभी मैंने लिखा था लिमिट x टेंडिंग टू a, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेते हैं x टेंडिंग टू a f(x) - fa अपॉन x - a, fx minus fa upon x minus a। यहाँ पर हम पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं, put x equal to a minus h as this new limit h tending to 0। तो हमारे पास डेरिवेटिव की वैल्यू आ जाएगी लिमिट h tending to 0। तो x की जगह क्या अप्लाई किया, a minus h, तो f a minus h, f a क्या आ जाएगा minus f a अपॉन x की जगह क्या लगाओगे आप, a माइनस h, तो a माइनस h और माइनस का a a से कट जाएगा। तो ये कहलाएगा आपका लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव, ये लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव। जब x की जगह आप a माइनस h अप्लाई करोगे तो आपके पास जो भी वैल्यू देखने को मिलेगी वो लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव होगी। लेकिन अगर आप x की जगह a माइनस h लगाने की बजाय a प्लस h लगाओगे, कहाँ लगाना है, दिए गए फंक्शन में लगाना है। ये अपने पास ये मेन प्रॉपर्टी है जहां पर हमें ये सारी चीजें अप्लाई करनी है। बट इफ राइट हैंड डेरिवेटिव के बारे में बात करें, इफ x इक्वल टू a प्लस h लगाएंगे एज h टेंडिंग टू 0, तो मेरे पास जो f(x) है या f(a) है उसकी जो भी वैल्यू आएगी लिमिट, नई लिमिट तो आ जाएगी h टेंडिंग टू 0, और फंक्शन x की जगह क्या लगाना है, a प्लस h माइनस वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट x इक्वल टू a, ये x की जगह a प्लस h माइनस a, यहां से अब जो वैल्यू आएगी वो राइट हैंडेड डेरिवेटिव के नाम से जानी जाएगी। तो अगर हमारे पास लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव राइट हैंडेड डेरिवेटिव इक्वल आया, इफ lhd इक्वल टू rhd, यानी लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव राइट हैंडेड डेरिवेटिव के इक्वल आया, देन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, देन गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, गिवन फंक्शन इज फंक्शन डेरिवेटिव या डिफरेंशिएबल एक ही बात है। गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू सम गिवन पॉइंट a, ओके। और ये भी याद रखना, अगर एक फंक्शन डेरिवेटिव है तो हमेशा कंटीन्यूअस होता है। अ डेरिवेटिव फंक्शन इज ऑलवेज कंटीन्यूअस फंक्शन, अ डेरिवेटिव फंक्शन
note, a function which is derivable, a function which is derivable, derivable at x equal to a, a function which is derivable is at x equal to a must be continuous, must be continuous. जो डेरिवेबल होगा वो कंटिन्यूस जरूर होगा कहां एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट x इक्वल टू a, बट कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू, बट कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू, नॉट ऑलवेज ट्रू, लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं होता हमेशा. कहने का मतलब हर कोई कंटिन्यूस फंक्शन डेरिवेबल नहीं होता, हर कोई डेरिवेबल फंक्शन तो कंटिन्यूस होता है लेकिन हर कोई कंटिन्यूस फंक्शन डेरिवेबल नहीं. तो चलिए इन सब बातों को प्रूव करने के लिए कुछ हम एग्जांपल्स लेंगे, कुछ क्वेश्चंस लेंगे जिसके द्वारा हम अपनी बात को वेरीफाई करेंगे. चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे हम डेरिवेटिव, कैसे बताएंगे कि फंक्शन डेरिवेबल है या नहीं, कैसे पता चलेगा उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है. तो चलिए निकालेंगे कुछ क्वेश्चंस, कुछ सम्स इस एक्सरसाइज से रिलेटेड. सीधे एक्सरसाइज में एंट्री करते हैं. आपकी लास्ट और फाइनल एक्सरसाइज कौन सी, एक्सरसाइज 6.3, एक्सरसाइज 6.3 एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मेन क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज 6.1 थे जो ऑलमोस्ट हो चुके हैं. चलिए एक्सरसाइज 6.3 जो कि बेसिक है डिफरेंशिएबिलिटी का, डिफरेंशिएबिलिटी का बेसिक है. नेक्स्ट चैप्टर आपका डेरिवेटिव है तो उसका बेसिक आप इसे कह सकते हैं. तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का, मैं फर्स्ट पार्ट भी ले रहा हूं. यहां हमें क्या चेक करना है, सो दैट फॉलोइंग फंक्शन कंटीन्यूअस, सो दैट given function, given function is continuous. ये function continuous तो है, कहता है जो function है continuous तो है, but not derivable, but not derivable. कहाँ के बारे में बात हो रही है, किस point पर बात हो रही है, at x equal to 0. चलिए कोई बात नहीं निकालेंगे. तो function हमें दिया है at x equal to 2 plus x, कब, जब x greater than equal to 0. यहाँ 2 माइनस x, इफ x लेस देन 0, ये सब बातें हमें दी गई हैं. तो चलिए सबसे पहले हम कंटिन्यूटी का ही जिक्र कर लेते हैं जो हम कर चुके हैं काफी कुछ. अगर कंटिन्यूटी के बारे में बात करते हैं तो हमें इतना पता है फॉर कंटिन्यूटी LHL मस्ट बी इक्वल टू RHL, और अगर हमें इस पर चेक करनी है x इक्वल टू 0 पर चेक करना है तो मस्ट बी इक्वल टू f 0. तो अगर हम LHL लेते हैं तो आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव, और 0 से कम के लिए कौन सा फंक्शन है, 0 से कम के लिए 2 माइनस x है, तो x की जगह अलजेब्रिक फंक्शन है डायरेक्ट अप्लाई द लिमिट 2 माइनस 0 दैट इज 2 आ गया. RHL के बारे में बात करें, लिमिट x टेंडिंग टू 2 पॉजिटिव 0 पॉजिटिव, 0 से ज्यादा के लिए कौन सा फंक्शन है 2 प्लस x है, तो 2 प्लस x यहां फंक्शन लगेगा, x की जगह 0 अप्लाई कर दो अलजेब्रिक फंक्शन है कितना आ गया 2, और x इक्वल टू 0 पर 2 प्लस x लगाना था तो here, जो आपका fx है वो 2 plus x के रूप में यहाँ यूज हो रहा है, तो हम ये कहेंगे जो f0 है वो 2 plus 0 that is 2 आ गया. so left handed limit equal to right handed limit equal to f0, तीनों चीजें आपस में इक्वल है, so the given function is continuous, so fx is continuous, so fx is continuous. कहाँ पर continuous है, continuous है at x equal to इस पर 0, x equal to 0 पर ये फंक्शन कंटिन्यूस है, और x equal to 0 पर कंटिन्यूस है. अब हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं, कंटिन्यूटी तो पहले भी हम चेक कर चुके थे, तो प्रूव हो चुका है फंक्शन कंटिन्यूस है. अब डेरिवेबल नहीं है, क्यों नहीं है, चलिए देखते हैं इसके बारे में. डेरिवेबिलिटी या डिफरेंशिएबिलिटी, डेरिवेबिलिटी सबसे पहले लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव के बारे में बात करेंगे. पहले लिख लीजिए f dash x क्या होता है, हमारे पास लिमिट x tending to लिमिट s tending to 0 x tending to नेगेटिव fx minus f upon x minus a. यहां पर अगर मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के बारे में बात करूंगा तो लिमिट x tending to यहां पर a की वैल्यू मेरे पास है, ये जो a की वैल्यू है वो a यहां पर कितना है 0 है, तो यहाँ हर जगह जहां भी a दिखाई देगा उसे की जगह आपको 0 लगाना है, उसे की जगह आपको 0 लगाना है. तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव फंक्शन बोलो कितना है,
लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव, तो लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव के लिए फंक्शन 2 माइनस एक्स है, तो जहां एफ एक्स होगा उसकी जगह आपको 2 माइनस एक्स लगाना है। माइनस एफ जीरो, एफ जीरो बताइए एक्स की जगह जीरो लगाओगे, यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू 2 प्लस एक्स है, इक्वल टू वाला जो कंसेप्ट होगा वहां लगेगा हमेशा ही। एफ ए की जगह एफ जीरो लगाना है, एक्स की जगह जीरो लगाओ तो 2 प्लस जीरो कितना आ गया, 2 आ गया। डिनोमिनेटर में क्या आपके पास है, केवल और केवल x हमारे पास है, तो यहाँ अगर देखें 2 से 2 कट चुका है पहले ही, क्या आया माइनस एक्स अपॉन एक्स, और लिमिट कितना है x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव, ये तो पहले से कट चुका है माइनस 1 आ गया, और कॉन्स्टेंट की जो लिमिट अप्लाई करोगे कॉन्स्टेंट ही रहेगा, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका माइनस का 1 आ चुका है। अगर हम राइट हैंड डेरिवेटिव के बारे में बात करें, राइट हैंड डेरिवेटिव के बारे में बात करें तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, फंक्शन क्या आएगा 0 से ज्यादा के लिए 2 प्लस एक्स, यहाँ आ जाएगा 2 प्लस एक्स, माइनस एफ जीरो की वैल्यू तो 2 ही है, यहाँ एक्स माइनस जीरो दैट इज एक्स है, फिर से 2 से 2 कैंसिल, क्या बचाइए लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, एक्स अपॉन एक्स क्या होता है एक्स अपॉन एक्स 1, और कॉन्स्टेंट पर लिमिट अप्लाई करोगे कॉन्स्टेंट रहेगा, लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव माइनस 1, राइट हैंडेड डेरिवेटिव प्लस 1। तो यहां पर हमने ये ऑब्जर्व किया लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव राइट हैंडेड डेरिवेटिव के बराबर नहीं है, हियर लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंडेड डेरिवेटिव, सो डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, कहां पर बेटा एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पर इस फंक्शन की डेरिवेटिव यहां पर एग्जिस्ट नहीं करती। तो इस तरह से आपका प्रूव हो चुका है फंक्शन कंटीन्यूअस तो था लेकिन ये फंक्शन डेरिवेबल नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं इसको और बात करते हैं इसकी, एक छोटा सा एग्जांपल लिया था कि हमने, जिसमें हमने ये शो किया कि फंक्शन कंटीन्यूअस है लेकिन डेरिवेबल नहीं है। उसके बाद हम इसका एक और क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5, प्रॉब्लम नंबर 5, एक्सरसाइज 6.3 चल रही है आपकी, एक्सरसाइज 6.3 प्रॉब्लम नंबर 5 है, द फंक्शन एफ डिफाइन, आपका जो फंक्शन दिया है एफ एक्स वो कैसा दिया है, किसने कहा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस a, ये कब है इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1, और ये कितना है 3x प्लस 2 है, कब है इफ एक्स ग्रेटर देन 1, हमें शो करना है द फंक्शन एफ डिफाइन दिस इज डेरिवेटिव, ये फंक्शन डेरिवेबल फॉर एवरी एक्स, हर किसी एक्स के लिए डेरिवेबल है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, फाइंड ए एंड बी, ए और बी की हमें वैल्यूज निकालनी है, और गिवन है ये, क्या गिवन है, ये जो फंक्शन है वो डेरिवेबल फॉर एवरी एक्स, हर किसी एक्स के लिए ये फंक्शन डेरिवेबल है, और डेरिवेबल है तो ए और बी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो चलिए ठीक है देखेंगे, अगर ये फंक्शन डेरिवेबल है, अगर ये फंक्शन डेरिवेबल है तो एक डेरिवेबल फंक्शन हमेशा कंटीन्यूअस फंक्शन होता है। तो चलिए इस बात को भी हम यूज करेंगे, इसके सॉल्यूशन में आते हैं, और हम ये कहेंगे वी नो दैट एवरी डेरिवेबल फंक्शन मस्ट बी कंटीन्यूअस, हर कोई डेरिवेबल फंक्शन कंटीन्यूअस होता है, और अगर ये फंक्शन डेरिवेबल है तो कंटीन्यूअस भी हो जाएगा, और अगर कंटीन्यूअस होगा सो वी कैन से लेफ्ट हैंडेड लिमिट इक्वल टू राइट हैंडेड लिमिट इक्वल टू लिमिट ऑफ द गिवन फंक्शन, द गिवन पॉइंट हमारे पास x इक्वल टू 1 है तो लेफ्ट हैंडेड लिमिट राइट हैंडेड लिमिट, और x इक्वल टू 1 पर जो वैल्यू है ये हमेशा बराबर होनी चाहिए। अगर हम कहते हैं x इक्वल टू 1 पर हम वैल्यू निकालते हैं तो चलिए देखते हैं x इक्वल टू 1 पे क्या वैल्यू आनी चाहिए इसकी, लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव, तो 1 से कम के लिए अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास फंक्शन है कौन सा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, और अगर x की जगह हम 1 अप्लाई करते हैं तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 इनटू 1 प्लस 3, तो इस तरह से 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 4, तो हमारे पास वैल्यू आती है a प्लस 4, तो लेफ्ट हैंडेड लिमिट की वैल्यू a प्लस 4, राइट हैंडेड लिमिट की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो लिमिट x टेंडिंग टू a पॉजिटिव यानी
अलजेब्रिक फंक्शन है डायरेक्ट लिमिट आप लगा सकते हो तो डी प्लस का टू आ गया। अब कंटिन्यूटी के लिए एलएचएल आरएचएल इक्वल होगा और लिमिट ऑफ द गिवन फंक्शन के बराबर होगा। एलएचएल हमारे पास ए प्लस फोर है और आरएचएल हमारे पास बी प्लस टू है तो ए की वैल्यू आप कह सकते हो बी टू माइनस फोर दैट इज माइनस टू, जहां भी ए दिखाई दे बी माइनस टू हम अप्लाई कर सकते हैं। अब ये फंक्शन डेरिवेबल का है इसे नोट रखना, ए की वैल्यू बी माइनस का वैल्यू बी माइनस टू है, इसे हम आगे यूज करेंगे, इसे हम आगे यूज करेंगे। इसने कहा ये फंक्शन हर जगह डेरिवेबल है, जब ये फंक्शन हर जगह डेरिवेबल डेरिवेबल है तो एलएचडी लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव राइट हैंडेड डेरिवेटिव हमेशा बराबर होगा। तो अगर हम बात करें लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव की, लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव डेरिवेटिव निकालने का तरीका लिख लीजिए, एफ डैश एक्स आप किसके बराबर होता है हमेशा लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है, ये सारी ए की वैल्यू जो लेस देन ग्रेटर देन होता है ये सारा का सारा ए होता है। तो चलिए ठीक है, ए की जगह यहाँ वन है तो जहाँ भी ए दिखाई दे वन लगा लीजिए, जहाँ भी ए दिखाई दे वन लगा लीजिए। अगर हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के बारे में बात करें क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन नेगेटिव एफ एक्स बोलो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस ए एफ एक्स माइनस एफ वन। अगर मैं एफ वन के बारे में बात करूं तो इक्वल टू वन वाला फंक्शन ये है तो एफ वन क्या आ जाएगा, यानी एफ एक्स अपना इक्वल टू वाला यूज करो, जहां भी हो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस ए मुझे निकालना है एफ वन की वैल्यू, तो एफ वन क्या आ जाएगा वन का स्क्वायर प्लस थ्री इंटू वन प्लस ए वन प्लस थ्री फोर ए प्लस फोर एफ वन की वैल्यू ए प्लस फोर यहां कितना है एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन यहाँ ए से कट जाएगा क्या आया एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस वन लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन नेगेटिव। तो चलिए चलिए करते हैं इसको वन नेगेटिव, क्या कुछ इसके बनेंगे फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस फोर फोर वन जा फोर तो 4x माइनस एक्स माइनस फोर यहाँ से x कॉमन x प्लस फोर माइनस वन कॉमन x प्लस फोर एक फैक्टर आपका x प्लस फोर बन गया, दूसरा फैक्टर x माइनस का वन हो गया, एक फैक्टर आ गया x प्लस फोर दूसरा फैक्टर आ गया x माइनस वन डिनोमिनेटर में x माइनस वन यहाँ लिमिट x टेंडिंग टू वन नेगेटिव कैंसिल आउट हो चुका है। अगर x की जगह वन अप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा वन प्लस फोर दैट इज फाइव। तो कहने का मतलब लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव आपका 5 इक्विवेलेंट आया है, आपके पास जो लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव है वो 5 है। तो चलिए राइट हैंडेड डेरिवेटिव के बारे में बात करते हैं, देखते हैं राइट हैंडेड डेरिवेटिव क्या निकलेगा। राइट हैंडेड डेरिवेटिव लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए नेगेटिव यानी 1 पॉजिटिव 1 पॉजिटिव fx क्या है यहां 1 से बड़ा bx प्लस का 2 है fx माइनस fa f1 f1 की वैल्यू 1 प्लस 3 4 a प्लस 4 और अपॉन x माइनस a x माइनस 1 यहां से क्या बनेगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव bx माइनस bx प्लस का 2 और माइनस का a की वैल्यू क्या है a जहां भी दिखाई दे b माइनस 2 लगा सकते हो, तो इस a की जगह हम b माइनस का 2 लगाएंगे और प्लस का 4 अपॉन x माइनस 1 ठीक है a की जगह b माइनस 2 एक ही जगह b माइनस टू लगा दिया और ऐसा करने से हमारे पास क्या आएगा बी एक्स प्लस टू माइनस बी प्लस टू माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस वन तो टू टू फोर फोर से फोर कैंसिल हो गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन पॉजिटिव आ गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन पॉजिटिव और यहाँ ये वैल्यू कितनी है दोनों में b कॉमन है एक्स माइनस वन आ गया नीचे भी x माइनस वन ये कट गया वैल्यू कॉन्स्टेंट आई और कॉन्स्टेंट की लिमिट कॉन्स्टेंट होती है। तो राइट हैंडेड डेरिवेटिव की वैल्यू b आ गई लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव की वैल्यू 5 थी। अब हमें पता है कि लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंडेड डेरिवेटिव वी नो दैट फॉर डेरिवेटिव लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंडेड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव आपने पहले ही निकाल
निकाला हुआ है 5 और राइट हैंडेड डेरिवेटिव आपका b के इक्वल है तो b की वैल्यू आपकी 5 आ जाएगी। आल्सो a इक्वल टू b माइनस 1 ऑलरेडी प्रूव्ड पहले से ये बात आप प्रूव कर चुके हो तो a की वैल्यू क्या होगी b माइनस 2 b की जगह 5 लगा दीजिए तो a की वैल्यू आ गई तो a की वैल्यू 3 आ गई और b की वैल्यू 2 या का इस तरह से आप इस अननोन टर्म की वैल्यू a और b की वैल्यू बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं।